नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आप देख रहे हैं इन हसीन वादियों के बीच नमस्ते हिमाचल। आज के इस ब्लॉग में है काफ़ी कुछ खास होने वाला है, तो हम आपको ले जा रहे हैं जंगल की तरफ। और हम आपको आज के इस ब्लॉग में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने जा रहे हैं, जैसे कि भेड़ पालकों का जीवन किस तरह का होता है और कैसे जंगलों में भेड़िया चुकाई जाती है और उनको चारा कैसे खिलाया जाता है और वो किस तरह से कठिनाइयों का सामना करते हुए उनके साथ रहना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो कर देना है शेयर, लाइक, कॉमेंट। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं ये चारों तरफ इस टाइम हरियाली छाई हुई है और समर सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो एकदम से जो पेड़ है हरे भरे हो गए हैं। तो ये काफ़ी नज़ारा देखने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी भेड़ बकरियां हैं। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। इस तरह से काफ़ी ये लंबी चट्टान है, तो जो ये पांव रखते हैं तो इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस होता है बचपन से ही चलने का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी ढंकार एरिया में भेड़ियाँ घास चर रही है। तो ये लाजवाब है कि इतने बड़े हाइट चट्टान पे। तो इस टाइम यहाँ का जो व्यू आ रहा है दोस्तों, ये गज़ब का व्यू है। तो काफ़ी अमेजिंग व्यू, और सामने पार बर्फ़ पड़ी हुई है, ये कुछ दिन पहले पड़ी हुई थी। तो हमारे साथ राहुल जी है जो कि भेड़ पालक है और इनकी काफ़ी भेड़ बकरियां है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये इस टाइम अभी आप देख रहे हैं जो ये रास्ता, तो काफ़ी ख़तरनाक एरिया है जहाँ पे कोई आसानी से अगर गिर गया तो बचना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि दोस्तों हमें तो आदत पड़ चुकी है कि जंगल में चलने की, तो हमने इस टाइम जो जूते पहन के रखे हैं तो भी आप विश्वास नहीं करेंगे, तो काफ़ी लंबे लंबे हैं। और ये हमारे को चलने में काफ़ी सहायता देता है कि बारिश से बचने के लिए और कीचड़ से, और अगर पहाड़ों में चलने के लिए। तो ये काफ़ी मुश्किल काम होता है और इस तरह से दोस्तों जंगल में आके बर्फ़ खाने का कुछ मज़ा ही कुछ और है। और ये अप्रैल का महीना है, मार्च के एंड है, तो लगभग अप्रैल का महीना लग चुका है, लगने वाला है। तो अभी मैं इस टाइम बर्फ़ खा रहा हूँ, तो इस टाइम यहाँ पे बर्फ़ भी गिर चुकी है और ये कुछ दिन पहले गिरी हुई थी, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था स्नोफॉल की वीडियो। तो ये वाला आप फूल देख रहे होगे, ये जो फूल है तो इसका नाम है चुंखरी, तो ये चुंखरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्योंकि अभी इसका फूल आया है और उसके बाद इसके पत्ते भी आए हुए हैं, तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए तोड़ा है। तो इसका अभी जो जड़ होती है, इसकी जो जड़ होती है ये काफ़ी काम आती है, तो ये बहुत काम आती है चुंखरी। तो इस तरह से गाइज, क्योंकि ये फ़िलहाल लगी हुई थी तो ये जंगलों में काफ़ी लगी होती है हमारे।
तो दोस्तों अभी आप रास्ता देख सकते हैं, बिल्कुल गिरने की नौबत है। अगर मेरा पैर ज़रा सा भी बाहर चले गया तो आप देख सकते हैं कितना नीचे गिर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। और यहाँ पे काफ़ी दूर में बर्फ़ पड़ी हुई है इन पहाड़ों में। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 2 बजे, और टाइम 2 बज चुके हैं, और क्योंकि हमारे को लंच भी करना होता है, क्योंकि हम सुबह 10 बजे निकल चुके हैं घर से भेड़ियों के साथ। तो ये भी बहुत थक चुके हैं राहुल जी, और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको भेड़ियों का कि इनको कहाँ ले जानी और कैसे हैंडल करना है। तो मैं स्पेशली आपको ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि किस तरह से एक भेड़ पालक का जीवन होता है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे पहाड़ को क्रॉस करना होता है और कैसे कैसे रास्तों को पार करना होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी कठिनाइयाँ होता है, काफ़ी कठिन होता है। तो अभी हम लंच कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद हम उनको पार ले जाएंगे, उसके बाद 4-1 बजे हम घर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये समर टाइम में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इनको चुगाने के लिए भेड़ को। और तो दोस्तों इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब शेयर। तो इस टाइम फ्लावरिंग आ चुकी है, फ्लावरिंग का टाइम हो चुका है। ये जो फ्लावरिंग आप देख रहे हैं, ये फूल प्यारे प्यारे से फूल, और इसमें कुछ समय के बाद जो ये फूल देख रहे हैं, इन्हीं फूलों के ऊपर फ्रूट लगेंगे, और ये बहीमी का पेड़ है। तो अभी ये पूरी तरह से फूला नहीं है, तो इस तरह से आप ये फूल देख सकते हैं दोस्तों। सो गाइस शाम के लगभग 5 बज चुके हैं, तो अभी घर की ओर चल पड़े हम। तो अभी ये अपने आप घर का रास्ता ढूंढ रही है। तो इस टाइम काफ़ी ठंड का काफ़ी माहौल है, ठंडने वाला है। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ज़रा सा भी इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और वीडियो को कर देना है शेयर। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, अगली लोकेशन के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।